अब अगले दिन तमाम रिश्तेदार अपने मरहूम की कब्र के ऊपर जाते हैं ज़ियारत कब्र के लिए। तो थोड़ा सा इसका तस्करा कि अगले दिन उन उन जाने वालों की क्या जिम्मेदारी है, बस हम वो जिम्मेदारी बयान करेंगे थोड़ी देर में और उसके बाद फिर उसकी तफसीलात में चले जाएंगे। पैगंबर इस्लाम इस बात की बहुत ताकीद फरमाते थे कि कबूर की ज़ियारत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाओ, क्योंकि ये तुमको आखरत की याद दिलाती है। उनको जाकर सलाम करो कब्र के मुर्दों को, क्योंकि ये तुम्हारे लिए दरसे इबरत का बाइस है। अलल खुसूस अपने वालिदैन की कब्र के ऊपर जाना, अलल खुसूस या वालिदैन में से कोई एक भी अगर इंतकाल कर गया हो उसकी कब्र पे जाना, ये न सिर्फ एक गुनाहों की बख्शिश का बाइस है बल्कि फकत वालिदैन की कब्र पर जाने की वजह से ही उस बेटे को साले शुमार कर लिया जाता है। ये नेक बेटा है, ये नेक बेटी है, इसको शुमार खुद बखुद कर लिया जाता है। यानी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं कि हम घर बैठ के भी बहुत सारे नेक आमाल उनके लिए कर सकते हैं, नहीं, इसकी अलग से ताकीद है कि उनकी कब्र के ऊपर जाया जाए। और बाकायदा जो दुआ किसी जगह जाकर कबूल ना हो रही हो वो अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर दुआ की जाए। तो बहुत सारी रिवायत में इसकी बड़ी ताकीद आई है और कहा यह गया है कि वालिदैन की कब्र पर जाने की वजह से कैसी दुआ क्यों ना हो वो ज़रूर कबूल हो जाती है। अगर वालिदैन माशाल्लाह हयात हों तो अपने दादा दादी नाना नानी किसी और रिश्तेदार की कब्र पर वहाँ जाके, क्योंकि वो भी सब भी वालिदैन शुमार होते हैं। अच्छा, छठे इमाम ये बात भी बयान करते हैं, फरमाते हैं कि जो शख्स भी हमसे नेकी पर कादिर रहो उसे चाहिए कि वो हमारे मुहिब्बों और मवालियों के साथ नेकी से पेश आए, उसे बिल्कुल वही सवाब मिलेगा जो हमारे साथ नेकी का सवाब। अच्छा, जो फिर फरमाते हैं छठे इमाम, जो हमारी ज़ियारत की कुदरत ना रखता हो, बहुत से लोगों के वसाइल नहीं होते ज़ियारत पे जाने के लिए, जो हमारी ज़ियारत पे कुदरत ना रखता हो उसे चाहिए कि वो हमारे नेक और मुहिब्बी मुहिब्बों और मवालियों की ज़ियारत करे, हमसे मोहब्बत करने वालों की ज़ियारत करे, उनकी कब्रों पर जाए, हमारी ज़ियारत का खुद बखुद उसको सवाब हासिल हो जाएगा। तो अगर कोई शख्स आइम्मा के रोज़ों की ज़ियारत के वसाइल नहीं रखता है तो उसे चाहिए कि सालेह मोमिनीन की कबूर की ज़ियारत करे, उसे वही सवाब मिलेगा इमाम फरमाते हैं जो कि हमारे रोज़े की ज़ियारत का सवाब है। और यहाँ तक ये बात बयान की गई है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इमाम अरश आज़म पर हैं, लेकिन उनकी नज़र मुबारक अपनी मजलिस अज़ाम शरीक लोगों और उनकी कब्र की ज़ियारत करने वालों के ऊपर, अगरचे इमाम अरश आज़म पर लेकिन उनकी निगाह उनकी मजलिस अज़ाम शरीक लोगों के ऊपर है और उनकी कब्र की ज़ियारत करने वालों के लिए। और शहीद दस्ते ग़ैब तो यहाँ तक कहते थे कि असल में इमाम हुसैन और औलाद ज़हरा के कबूर उनके शियों के दिलों में, कि इधर उनका नाम आया और उधर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा, अब एक सवाल एक रावी ने इमाम से पूछा और ये दिमाग में एक सवाल भी उठता है, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम छठे इमाम से पूछते हैं कि मौला जब हम कब्रों की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो क्या ये जो मुर्दे हैं ये इससे बाखबर होते हैं, क्या उनको पता चलता है कि हम उनकी ज़ियारत के लिए आए हुए हैं? इमाम ने फरमाया ई वल्लाही, हाँ खुदा की कसम, वो इस बात इन्नहुम लियालमून बिकुम, वो इस बात से आगाह होते हैं कि तुम उनसे मिलने के लिए आए हो, वह यफरहून बिकुम, और वो इस बात से इंतहाई खुशी और फरहत महसूस करते हैं कि तुम उनसे मिलने आए हो, वह यस्तानिसून इलैकुम, और वो इस बात से मानूस होकर खुशी हासिल करते हैं, तुमसे मानूस होकर खुशी हासिल करते हैं कि तुम आए हो। वसाइलु शिया में बाकायदा ये रिवायत, और ख़ुद एक रिवायत, तो वसीयत करता हूँ और तुम ये बात पल्ले बांध लो, खुदा तुमको इसका फ़ायदा देगा। वो क्या है कि कब्रिस्तान की हमसायगी इख्तियार करो, यानी दूसरे अल्फाज में कि कब्रिस्तान अक्सर जाया करो, आखरत को तुम इस बहाने याद रखोगे, दिन में भी चले जाया करो, लेकिन ये बात याद रखो बिज़र रात को कब्रिस्तान ना जाया करना, मुस्तदरकुल वसाइल के अंदर रिवायत है। इस बिना पर अक्सर उलमा ने आम मोमिनीन की ज़ियारत कबूर की ज़ियारत को रात के वक्त मकरूह करार दिया पैगंबर इस्लाम की, क्योंकि ममानियत थी। अलबत्ता मासूमीन के रोज़ों की ज़ियारत वो तो हर वक्त मुस्तहब है, यानी चाहे रात हो चाहे दिन हो। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है क्योंकि अपने रिश्तेदार की कब्र पे जाना है, कब जाएं? देखिए, वैसे तो हर वक्त जा सकते हैं, यानी किसी भी दिन चले जाएं,
लेकिन खास तौर पर पीर के दिन और जुमेरात के दिन ज़रा ताकीद आई, एक ताकीद जुमे के दिन की भी आई है लेकिन पीर और जुमेरात की ताकीद भी। अच्छा, जो वक्त कौन सा होना चाहिए जाने के लिए, जुमेरात के दिन तो असर का वक्त होना चाहिए, असर का जो वक्त फजीलत है वो होना चाहिए, जो आपके दिमाग में होगा कि असर का वक्त फजीलत कब शुरू होता है। और हफ्ते के दिन भी ताकीद आई है, और हफ्ते के दिन सुबह के वक्त जाने की ताकीद आई है। बाकायदा उरवतुल वस्का के अंदर ये मसला लिखा हुआ है कि हफ्ते के दिन सुबह को जाए। अच्छा, कौन लोग जाएं? हमारी फिका के मुताबिक मर्द और औरतों दोनों के लिए कब्रिस्तान जाना मुस्तहब है, दोनों के लिए। अलबत्ता औरतों में बस दो एहतियातें हैं, एक तो ये है कि वो बेसब्री का मुजाहरा ना करें, और सब्र व तहम्मुल का अगर मुजाहरा करें तो फिर औरतों के लिए जाने की इजाज़त है। और दूसरी चीज़ ये कि अपने पर्दे और इफ़्फ़त का मुकम्मल ख्याल रखते हुए जाएं। अगर वहाँ जाके बेसब्री का मुजाहरा कर रही हैं और इस किस्म के कलमात कहे जा रहे हैं तो फिर औरतों के लिए मुनासिब नहीं कि वहाँ जाएं। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से वहाबियों वगैरह का नज़रिया है, हमारे फ़िक़्ह का ये नज़रिया नहीं है। औरतों के लिए भी कब्रिस्तान जाना मुस्तहब है और मर्दों के लिए भी। अच्छा, कब्रिस्तान जाकर करें क्या? तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि कब्रिस्तान में जाकर मर्दों को सलाम करें। सलाम करने के भी कई तरीके रिवायात में बयान हुए, अस्सलामु अला अहलि दियार मिनल मुमिनीन, ये एक सलाम है जो कि वहाँ जाकर मुर्दों को किया जाता है। सलाम हो इस सरजमीन के रहने वाले मोमिनीन पर, खुदा तुमसे पहले आने वालों और तुम्हारे बाद आने वालों पर भी रहमत नाजिल करे, और इंशाल्लाह हम भी जल्द तुम्हारे पास पहुँचने वाले हैं। यानी ये जुमला जाकर उनको मुर्दों को मुखातिब करके कहे। ये भी उरवा के अंदर बाकायदा ये पूरा सलाम लिखा हुआ है कि मुर्दों को किस अंदाज में जाकर सलाम करें। अच्छा, जब कब्र के नज़दीक पहुंच जाएं तो उस वक्त भी क्या पोजीशन आपकी होनी चाहिए, इसकी भी खास बात बताई गई। कब्र के करीब बैठना मुस्तहब है, खड़े होना भी अलबत्ता जायज़ है, बैठना मुस्तहब है, खड़े होना जायज़ है। अच्छा, बेहतर ये है और मुस्तहब ये है कि क़िबला रुख होकर कब्र की ज़ियारत की जाए। अच्छा, हाथ को कब्र के ऊपर रखा जाए और जितनी भी पढ़ने वाली चीज़ें वो कब्र के ऊपर हाथ रखकर पढ़ी जाए, इसकी बड़ी ताकीद आई है। क्या पढ़ें? अब इसके मुतालिक भी बहुत सारी बातें हैं। एक तो ये कि सूरह कदर को 7 मरतबा पढ़ना बहुत ही ताकीद रखता है। सूरह इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। 8वें इमाम ये बात बयान फरमाते हैं कि जो मोमिन भी कब्र की ज़ियारत के वक्त 7 मरतबा इस सूरह को पढ़ेगा, परवरदिगार उस मुर्दे को और ज़ियारत में आने ज़ियारत के लिए आने वाले दोनों अफराद को बख्श देगा। 7 मरतबा जो शख्स भी सूरह कदर की तिलावत कर देगा। अच्छा, दूसरी चीज़, सूरह कदर के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना, इसका बहुत सवाब है। अच्छा, अगर कोई शख्स आयतुल कुर्सी किसी भी मुर्दे के लिए पढ़ दे तो चाहे वो मुर्दा किसी भी जगह दफन क्यों ना हो, उसकी कब्र से एक नूर साते होगा और परवरदिगार आलम उस कब्र के मुर्दे को ये बात बताएगा कि आयतुल कुर्सी का हदिया तुम्हारे पास फलां मोमिन ने भेजा और उससे इसने खुद भी बहुत फ़ायदा उठाया और उसको एक उसके अहवाज एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक सवाब भी मिलेगा। और बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि पढ़ने वाले को हर हर्फ आयतुल कुर्सी के बदले, जो कि 75 हरूफ हैं, खुदा उस एक फरिश्ते को खल्क करेगा हर हर्फ के बदले, और जो कि कयामत तक तस्बीह करता रहेगा परवरदिगार के, उसको पढ़ने का सवाब उस आयतुल कुर्सी के पढ़ने वाले कारी को मिलेगा। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि अभी मैं बयान कर भी रहा हूँ, सूरह कदर तो 7 मरतबा पढ़ने की बड़ी ताकीद आएगी, लेकिन उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं उनको 3-3 दफ़ा पढ़ने की ताकीद। आयतुल कुर्सी 3 दफ़ा, सूरह अलहम 3 दफ़ा, इसके अलावा सूरह ये जो माउज़तैन, औऊज़ु बिरब्बिन नास और फलक, इनको भी 3-3 दफ़ा पढ़ने की ताकीद है। सूरह यासीन को 3 दफ़ा पढ़ने की ताकीद है, सूरह मुल्क को 3 दफ़ा पढ़ने की ताकीद है, और कुछ मफाती के अंदर भी कुछ दुआएँ। अलल खुसूस एक बात और दिमाग में रहे कि वैसे तो तमाम रिश्तेदारों और अहबाब को जाने की ताकीद है मोमिनीन की कबूर के ऊपर, लेकिन अलल खुसूस जो सबसे करीबी तरीन दोस्तों को कब्र के ऊपर ज़रूर जाएं। रिवायत में है पैगंबर इस्लाम की, पैगंबर फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा उन्स मुर्दे को अपने करीब तरीन दोस्त की मौजूदगी से होता है कब्र पर। तो बहरहाल ये एक चीज़ दिमाग में रहे ताकि करीबी दोस्त इस बात से गाफिल ना हो। رحمتك يا أرحم الراحمين
وصلى الله على محمد وآله.